हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आप सबका स्वागत है हिस्टोफैंसी पर। चलिए जानते हैं 19 मई की हिस्टोफैंसी। नंबर एक, दोस्तों आपने 3D कॉम्बिनेशन वाली रूबिक क्यूब गेम तो खेली ही होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि रूबिक क्यूब की खोज कब और कैसे हुई? अर्नो रूबिक हंगरी में रहने वाले एक मैथ्स प्रोफेसर थे। अर्नो रूबिक अपने स्टूडेंट्स को 3D प्रॉब्लम्स को समझाने की मदद करना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने एक जुगाड़ लगाया और इस जुगाड़ का रिजल्ट था मैजिक क्यूब। ये एक ऐसा क्यूब था जिसे बिना टूटे मोड़ा जा सकता था। जब अर्नो रूबिक ने पहला क्यूब बनाया तो इसे सोल्व करने में 1 महीने का टाइम लग गया था। अर्नो रूबिक के नाम पर ही इस मैजिक क्यूब का नाम रूबिक क्यूब पड़ा। रूबिक क्यूब की इन्वेंशन 1974 में हुई और 19 मई 1974 को रूबिक क्यूब दुनिया के सामने पेश किया गया था। अगर आपको दिमाग तेज करने वाली इस रूबिक क्यूब की इन्वेंशन की स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। नंबर दो, टाटा ग्रुप के फाउंडर जमशेद जी नुसीरवान टाटा इंडियन इंडस्ट्री के फादर माने जाते हैं। जमशेद जी टाटा ने उस समय इंडियन इंडस्ट्री की नींव रखी जब भारत अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था। 3 मार्च 1839 को गुजरात में जन्मे जमशेद जी टाटा ने 1868 में 21,000 रुपये के साथ अपना बिजनेस स्टार्ट किया। उन्होंने 1868 में अपनी पहली कॉटन मिल खोल ली और इस तरह टाटा ग्रुप की नींव रखी। 20वीं सदी के पहले दशक में भारत में सिनेमाघरों की शुरुआत हुई। इंडिया में पहली फिल्म मुंबई के वाटसन होटल में लगी। इस होटल के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ था जिस पर लिखा था, भारतीय और कुत्ते अंदर नहीं आ सकते। ये बात जमशेद जी को बहुत बुरी लगी और उन्होंने वाटसन होटल से भी आलीशान होटल, जिसका नाम था ताज होटल, 1903 में बनवाया, जिसके बाहर बोर्ड पर लिखा था, अंग्रेज और बिल्लियाँ अंदर नहीं आ सकते। 19 मई 1904 को जमशेद जी टाटा इस संसार से विदा हो गए। नंबर तीन, गैंग्स ऑफ वासेपुर, बजरंगी भाईजान, रईस और तलाश जैसी सुपरहिट फिल्मों में अपना लोहा मनवाने वाले नवाजुद्दीन सिद्दीकी का फिल्मी करियर स्ट्रगल से भरा हुआ रहा है। कहते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में आउटर अपीयरेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, जिसका खामियाजा नवाजुद्दीन सिद्दीकी को भरना पड़ा। 19 मई 1974 को मुजफ्फरनगर में जन्मे नवाजुद्दीन सिद्दीकी 1996 में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से पास आउट हुए, जिसके बाद उन्होंने TV सीरियल्स और थिएटर में रोल पाने चाहे, लेकिन उनको कोई रोल नहीं मिल पा रहे थे। फिर उन्होंने फिल्म्स में एक्टिंग के लिए ट्राई किया। आखिरकार 1999 में उनको सरफरोश फिल्म में एक छोटा सा रोल मिला, लेकिन उनको बड़ा ब्रेक मिला फिल्म ब्लैक फ्राइडे से। इसके बाद उन्होंने पीपली लाइव, कहानी, गैंग्स ऑफ वासेपुर, तलाश और किक जैसी बड़ी बड़ी फिल्म्स की और आज उनका नाम बॉलीवुड के बड़े बड़े एक्टर्स की लिस्ट में शुमार है। नंबर चार, क्या आप जानते हैं कि पहले वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 0 डिग्री और वाटर का मेल्टिंग पॉइंट 100 डिग्री होता था? एंडर सेल्सियस, जिन्होंने थर्मोमीटर की इन्वेंशन की थी, उन्होंने वाटर बॉइलिंग पॉइंट 0 डिग्री और वाटर मेल्टिंग पॉइंट 100 डिग्री फिक्स किया था और उनका यह थर्मोमीटर एल्कोहल बेस्ड था। लेकिन इसके बाद जीन पायरे क्रिस्टिन, जो एक फिजिशियन, एस्ट्रोनोमर और मैथमेटिशियन थे, उन्होंने थर्मोमीटर पर रिसर्च की। उन्होंने एल्कोहल की जगह मर्करी बेस्ड थर्मोमीटर बनाया और उन्होंने देखा कि वाटर 100 डिग्री पर बॉयल हो रहा है और 0 डिग्री पर फ्रीज। आखिरकार क्रिस्टिन ने 19 मई 1743 को दुनिया के सामने 0 डिग्री मेल्टिंग पॉइंट और 100 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट की पेशकश रखी और तब से आज तक इसी मेजरमेंट का यूज हो रहा है। अगर आपको वाटर बॉइलिंग पॉइंट और वाटर मेल्टिंग पॉइंट का ये फैक्ट अमेजिंग लगा तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज को देखने के लिए हिस्टोफैंसी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।